जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग जीवन मंत्रा चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जीवन मंत्रा में जो नुस्खे हम आपको बताते हैं वो वैद्यों और एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं, इसलिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को भी इस चैनल के बारे में आप बताएं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी मिठाई की बात करेंगे जो महिला और पुरुष दोनों की अधिकतम बीमारियों का इलाज माना जाता है। इसका नाम है, हम सीधे सीधे आपको बता रहे हैं, छुआरा। जी हाँ, खजूर का सूखा रूप छुआरा, पौष्टिकता से भरपूर छुआरा, गर्म तासीर का होता है छुआरा, इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा होती है। इसका सेवन साल भर आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपने बादाम का हलवा तो खूब खाया होगा, लेकिन क्या आपने कभी छुआरे का हलवा खाया है? नहीं तो आप आज ही छुआरे का हलवा बनाएं। इसका हलवा बादाम की तरह ही स्वादिष्ट होता है। ये हलवा इतना लाभदायक होता है, आप इसे कई दिन तक रख भी सकते हैं। आप छुआरे की चटनी बनाकर भी इसकी पौष्टिकता को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं, और आप चाहें तो छुआरे का अचार भी आप बनवा सकते हैं। कुल मिलाकर बात यहाँ आती है कि छुआरे को किसी भी रूप में आपको खाना है, चाहे दूध में उबाल कर आप खा सकते हैं, आप छुआरे का हलवा बनाकर खा सकते हैं, और आप छुआरे का चटनी या अचार बनाकर भी खा सकते हैं। तो छुआरे को किसी तरह खाने से कितने सारे फायदे मिलेंगे आप देख लीजिए। नंबर एक, छुआरे का जो सेवन है वो आपके फेफड़े और चेस्ट को बलवान बना देता है और श्वास रोगों को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। शरीर को मजबूत बनाने के लिए 2-3 छुआरे 500 ग्राम दूध में देर तक उबालें। जब दूध 300 ग्राम शेष रह जाए तो उसमें मिश्री मिलाकर सेवन कर लें। सुबह शाम 2 छुआरे चबाकर खाने और हल्का गर्म पानी पीने से कब्ज दूर हो जाएगी। इसके अलावा आप किशमिश भी खा सकते हैं, वो भी आपकी कब्ज को दूर कर देगा। शारीरिक निर्बलता के कारण ऋतुस्राव में अवरोध होने पर छुआरे के सेवन से ऋतुस्राव प्राकृतिक रूप से समय समय पर होने लगता है। प्रौढ़ावस्था में रात के समय बार बार पेशाब त्याग के लिए मुश्किल हो तो कुछ दिन तक छुआरे का सेवन करें। छुआरे और गाय का दूध पीने से शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी होती है, क्योंकि छुआरे में कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है। दोस्तों, छोटे बच्चों को छुआरे खिलाने से उनकी बिस्तर पर पेशाब करने की जो समस्या है खत्म हो जाती है। 2 छुआरे रात को दूध में उबालकर रात को खाने और दूध पीने से स्वर बहुत सुरीला होता है। छुआरे को दूध में उबालकर खाने और दूध पीने से 1 सप्ताह में बवासीर नष्ट होने की संभावना है। छुआरे कब्ज को नष्ट करके बवासीर रोग का नियंत्रण करते हैं। कटिशूल होने पर छुआरे खाने से बहुत लाभ होता है, यानी कि आपकी कमर में किसी तरह का दर्द है तो उससे लाभ मिलेगा आपको। आंखों की पलकों पर गुहरी निकल जाने पर छुआरे की गुठली को सिल पर पानी के साथ घिसकर लगाने से शीघ्र लाभ होता है। शारीरिक रूप से मोटा होने के लिए छुआरे दूध में उबालकर रोज खाने चाहिए। शरीर में रक्त और मांस में वृद्धि होती है। दिल को शक्ति प्रदान करने के लिए छुआरा शरीर में रक्त वृद्धि करता है। 4 तोले छुआरे, 5 तोले अखरोट की गिरी और 1 तोले बिनौले की गिरी को पीसकर घी में भूनकर बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर खाएं। इसमें से 2 तोले मिश्रण रोजाना, ऐसे खाने से प्रमेह रोग दूर हो जाएगा। स्त्रियों के मासिक धर्म के अवरोध की समस्या दूर करने के लिए 1 छुआरा और 2 बादाम की गिरी रात को पानी में डालकर रखें। सुबह उठकर दोनों को पीसकर मिश्री और मक्खन मिलाकर खाएं, समस्या दूर हो जाएगी। दोस्तों, खजूर और छुआरा दमे के रोगियों के लिए भी गुणकारी है, बल्कि लकवा और सीने के दर्द की शिकायत को दूर करने के लिए भी खजूर और छुआरा बहुत मदद करता है। अब हम आपको एक सावधानी थोड़ा सा बता रहे हैं, छोटी सी सावधानी है, आप देख लीजिए। छुआरा खाने और दूध पीने के बाद 1.5-2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। दोस्तों, जीवन मंत्रा जीवन की एक ऐसी पद्धति है जिसमें आप निरोग बनते हैं, स्वस्थ रहते हैं और आप लंबा जीवन जीते हैं। दोस्तों, जीवन मंत्रा में आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।